Hello everyone. Again, in this lecture video, we are going to discuss on NFA to DFA. Okay, कि NFA से DFA में कैसे convert करें. Previous lecture videos में भी हम लोगों ने देखा है कि हम NFA to DFA किस तरीके से convert करते हैं with the help of subset conversion method. ये हमने एक new example लिया है कि हमको एक NFA बनाना है, एक ऐसा NFA जो उसी language को accept करे जिसके end में क्या दिया गया हो, AB. और इनपुट अल्फाबेट यहाँ पर क्या है, ए एंड बी. एन एफ ए क्रिएट करने के बाद उस एन एफ ए को हमको डी एफ ए में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सबसेट कन्वर्जन मेथड. तो हम क्रिएट करके देखते हैं. पहले हम एन एफ ए बनाते हैं एंडिंग विथ ए बी के लिए. तो एन एफ ए क्रिएट करने के लिए एक हमने इनिशियल स्टेट यहाँ पर ले ली क्यू नॉट, और एक हम ले लेते हैं क्यू वन, एक स्टेट हम ले लेते हैं क्यू टू, और क्यू टू को हम क्या करते हैं फाइनल स्टेट बना देते हैं. अब एंडिंग विथ ए बी दिया गया है तो पहले क्यू नॉट को इनिशियल स्टेट है स्टार्टिंग स्टेट बना दो. क्यू नॉट से क्यू वन पर हमने क्या दे दिया ए, क्यू वन से फाइनल स्टेट पे हमने क्या दे दिया बी. ओके, और क्यू नॉट पर हम लोग क्या कर देंगे ए और बी पास कर देते हैं. ठीक, ये हमारा एन एफ ए बन गया है. अब डी एफ ए में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है कि स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना है फॉर एन एफ ए. तो स्टेट ट्रांजिशन टेबल हम क्रिएट करके देखते हैं फॉर एन एफ ए. स्टेट कौन कौन सी हमारे पास यदि हम लोग देखें तो एक एक क्यू नॉट, देन क्यू वन, देन क्यू टू, ये थ्री स्टेट्स हमारे पास में है जिसमें क्यू टू क्या है फाइनल स्टेट. अब इनपुट है हमारे पास ए और बी. तो क्यू नॉट ए इनपुट के साथ कहाँ जा रहा है क्यू नॉट पे, और क्यू नॉट ए इनपुट साथ क्यू वन पे भी जा रहा है, मीन दो स्टेट. क्यू नॉट बी इनपुट के साथ कहाँ जा रहा है क्यू नॉट पे. अब क्यू वन की बारी, क्यू वन ए इनपुट के साथ तो यहाँ पे है ही नहीं तो हम यूज़ करेंगे फाइ. क्यू वन बी इनपुट के साथ जा रहा है क्यू टू पे. अब क्यू टू ए इनपुट के साथ कहीं नहीं जा रहा है तो फाइव मेंशन करेंगे. क्यू टू बी के साथ भी कहीं नहीं जा रहा है तो फाइव को यहाँ पे मेंशन कर देंगे. ये हमारा स्टेट ट्रांजिशन टेबल बना है एन एफ ए के लिए. अब हम लोग स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे डी एफ ए के लिए. इनपुट्स हमारे पास में है ए और बी. फर्स्ट स्टेट कौन सी है क्यू नॉट, तो Q नॉट A इनपुट के साथ कहा जा रहा है Q नॉट और Q1 पे. इन दोनों को अब हम सिंगल स्टेट बना देते हैं. पहले यहाँ पे Q नॉट Q1 अलग अलग थे, अब दोनों को कंबाइन कर दिया हमने, Q नॉट Q1 एक ही स्टेट बन गए. अब Q नॉट B इनपुट के साथ कहा जा रहा है Q नॉट पे. अब हम Q1 यूज़ करेंगे, बट Q1 को देखिए. ओके, Q1 अब अकेला नहीं रहा. Q1 किस के साथ कंबाइन हो चुका है Q नॉट Q1 के साथ कंबाइन हो चुका है. तो यहाँ पर एक नई स्टेट को हम यूज़ करेंगे डेट इज़ क्यू नॉट क्यू वन. ओके, अब क्यू नॉट क्यू वन ए इनपुट के साथ कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे दो इस बार क्यू नॉट भी क्यू वन भी. पहले क्यू नॉट के लिए देखो, ए इनपुट के साथ कहाँ जा रहा है क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू वन पर जा रहा है यूनियन. क्यू वन कहाँ जा रहा है एक इनपुट के साथ, क्यू वन जा रहा है फाइव पे. तो क्यू नॉट क्यू वन यूनियन फाइव, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे क्यू नॉट क्यू वन. तो हम लोग यहाँ क्या मेंशन करेंगे Q नॉट Q1, ये वाली सिंगल स्टेट. अब Q नॉट Q1 के लिए B हमको निकालना है, तो B निकालने के लिए पहले हम Q नॉट पर देखते हैं B के साथ Q नॉट कहाँ जा रहा है Q नॉट पर जा रहा है, और Q1 B इनपुट के साथ कहाँ जा रहा है Q2 पे. तो इन दोनों को हम यूनियन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा यूनियन में Q नॉट Q2. तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं Q नॉट Q2. ओके, अब हम किसके लिए लिखेंगे Q2 के लिए, बट Q2 सिंगल नहीं इस बार. Q2 किसके साथ कंबाइन हो चुका है, सिंगल स्टेट बना चुका है. Q0 Q2 दोनों आपस में कंबाइन हो गए. अब Q0 Q2 हमको A इनपुट पे कितना दे रहा है, पहले Q0 को देखो, Q0 A पे क्या दे रहा है Q0 Q1 दे रहा है यूनियन. Q2 A इनपुट पे कितना दे रहा है फाइव. तो इन दोनों का यूनियन निकालो क्या मिलेगा Q नॉट Q1.
अब हमें क्या करना है, क्यू टू के लिए निकालना है, सॉरी बी इनपुट के लिए निकालना है अभी ना। तो क्यू नॉट क्यू टू है, क्यू नॉट बी इनपुट पे कितना दे रहा है, क्यू नॉट दे रहा है यूनियन, क्यू टू बी इनपुट पे क्या दे रहा है हमको, फाइव, क्यू नॉट यूनियन फाइव क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्यू टू हमें क्या दे देगा, बी इनपुट पे फाइव। अब हम लोग क्या करेंगे, डी एफ ए बनाएंगे इस ट्रांजिशन टेबल की मदद से। ओके, एक डी एफ ए हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो डी एफ ए के लिए भी हम लोग देखें कौन कौन सी स्टेट है, पहले क्यू नॉट, तो जो क्यू नॉट हम यहाँ पे रख देते हैं। क्यू नॉट यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग यहाँ पे इनिशियल स्टेट। अब बारी है क्यू नॉट क्यू वन की, तो यहाँ पर हम क्यू नॉट क्यू वन को रख देते हैं। देन है क्यू नॉट क्यू टू, क्यू नॉट क्यू टू ये हमारी क्या है, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्यों है ये, क्योंकि इसमें क्यू टू है और क्यू टू यहाँ फाइनल था, तो क्यू नॉट क्यू टू भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल स्टेट। अब हमें क्या करना है, क्यू नॉट ए इनपुट के साथ कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन पे, ए इनपुट लेके क्यू नॉट क्यू वन। क्यू नॉट बी इनपुट के साथ कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे ही, क्यू नॉट क्यू वन ए इनपुट के साथ कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट क्यू वन पे, क्यू नॉट क्यू वन बी इनपुट के साथ कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट क्यू टू पे। अब क्यू नॉट क्यू टू ए इनपुट के साथ कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट क्यू वन पे, क्यू नॉट क्यू टू बी इनपुट के साथ कहाँ जा रहे हैं, फल फाइव पे। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक मेरे को पकड़ में आई। अब आप लोग खुद सोचिए, क्या डी एफ ए के अंदर फाइव होता है क्या, डी एफ ए में फाइव तो होता ही नहीं, फाइव तो ओनली एन एफ ए के अंदर होता है। तो यहाँ पर हमने फाइव रखा हुआ है, इस फाइव को हमको हटाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया है, मिस्टेक की है। तो मैं इसको हटा के देखता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या था, क्यू नॉट क्यू टू ए इनपुट के साथ कहाँ जा रही है, क्यू नॉट क्यू वन पे। अब क्यू नॉट क्यू टू को बी के लिए चेक करते हैं, तो पहले क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट बी इनपुट के साथ कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे यूनियन। अब क्यू टू के लिए देखते हैं, क्यू टू बी इनपुट के साथ कहाँ जा रहा है, फाइव पे। तो क्यू नॉट यूनियन फाइव ये हमें क्या मिल जाएगा, क्यू नॉट। तो यहाँ पर हमने ये मिस्टेक की थी, यहाँ पर क्या आएगा, क्यू नॉट। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, देखो क्यू नॉट क्यू टू ए इनपुट के साथ हमने कहाँ भेज दिया था, क्यू नॉट क्यू वन पे भेज दिया है। अब क्यू नॉट क्यू टू बी इनपुट के साथ कहाँ जाएगा, क्यू नॉट पे, यहाँ पर आ गया बी इनपुट। ओके, तो आई थिंक इससे एक बात तो हमें क्लियर हो गई, मींस जो भी न्यू लीडर्स होंगे उनके लिए भी, कि डी एफ ए के अंदर फाइव नाम का सिंबल नहीं आता। ओके, तो यहाँ पर हमारा कन्वर्जन रेडी है एन एफ ए टू डी एफ ए के लिए। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।